हाय फ्रेंड्स, पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं टीटीएल 520 गोडक्स प्लेस का। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के बॉक्स में ये अपनी जो गोडक्स की प्लेस है वह आती है, और मैं इसे यहाँ से ओपन करके देख लेता हूँ कि इसमें अपने को साथ में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको एक ट्रिगर देखने को मिलेगा। इसे हम निकाल के एक साइड पे रख देते हैं। इसके बाद आप इसमें यहाँ पर देखेंगे, देखने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पर इसमें एक मिनी स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर इस तरह के ब्लैक कवर में आपकी जो गोडक्स की फ्लेश है वह आती है। और डिब्बे में मैं आप देख लेता हूँ कि इसमें और क्या क्या मुझे देखने को मिलता है। इसमें बाकी और कुछ नहीं है, इसे मैं एक साइड पे रख देता हूँ। यहाँ पर आप इस देख सकते हैं, आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। आप देख सकते हैं, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर थिंक लाइट कैमरा फ्लैश 520 TT 520 560, तो दोनों का मैनुअल एक जैसा ही आता है। जो टीटी 520 और 560 फ्लैश है वो एक ही तरह वर्क करती है। उनका मैनुअल जो आता है वो इसी एक ही तरह का आता है। आप देख सकते हैं मैनुअल में कि यहाँ पर जो मेन्यू दिए गए हैं वो इसके सब मेन्यू दिए गए हैं कि कौन सी चीज क्या है और किस तरह वर्क करती है। और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है अपने जो यूज में लेते हैं वो उसका दिया गया है कि ये यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कौन सी चीज किस तरह वर्क करती है और कहाँ पर बैटरी लगानी होती है, ये सब इसमें बताया गया है। तो आप इसको मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ फ्लैश के बारे में। यहाँ पर आपको एक ट्रिगर देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद एक स्टैंड है, और ये जो मैं कवर की बात करूं, ये काफी सॉफ्ट और ब्लैक कलर का जो कवर आता है बहुत ही स्मूथ आता है। इससे आपकी फ्लैश में बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं होते हैं। तो इसको मैं एक तरफ रख लेता हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लैश है, इस तरह की आपको फ्लैश देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं लास्ट में इसकी रेट डिस्कस करने वाला हूं कि आपको ये कितने में मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले अपन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हल्का सा पुश करके इस तरह से करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर अपने को बैटरी लगानी होती है। यहाँ पर चार बैटरी यानी कि जो अपन सेल बोलते हैं उनको हम यहाँ पर लगाते हैं, चार्जिंग सेल जो आते हैं। तो पहले हम उनको यहाँ पर लगा के ही देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह मैं टेस्ट करके भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास सेल है, मैं इनको इसमें लगा देता हूं कि किस तरह से आपको सेल लगाने हैं। यहाँ पर आप सेल लगाने से पहले प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, इधर माइनस का है, इधर माइनस का और इधर प्लस का है, तो मतलब अपोजिट लगने हैं। यहाँ पर इस तरह से अपन ने ये बैटरी लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूं आपको इस तरह से बैटरी लगा देनी है। बैटरी लगाने के बाद इस कवर को इस तरह से दबा के और लगा देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है, अभी ऑफ हो रहा है, ये मैंने ऑन कर दिया। ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इंडिकेटर आ चुके हैं। अब मैं इसमें आपको सारी चीज बता देता हूं। यहाँ पर प्लस और माइनस के जो सिंबल दिए गए हैं आप देख सकते हैं, इससे आपकी जो फ्लैश है उसकी फायर आपको कितनी रखनी है। अगर आप फुल पे रखेंगे तो आपकी जो ये फायर है सबसे ज्यादा फायर करेगी, मतलब लाइटिंग की जो केल्विन क्षमता है वह सबसे ज्यादा रहेगी। और इसको जैसे आप कम करेंगे तो कम रहेगी, मतलब आपको फ्लैश से कितनी मार देनी है, इसका रीजन इससे है। इसके बाद यहां पर आपको मोड मिल जाता है। यहां पर मैनुअल मोड पे आपकी ब्लू कलर की लाइट है, जैसे आप इसे फ्रेश करेंगे S1 पे हो जाएगी, फिर फ्रेश करेंगे S2 पे हो जाएगी, और वापस मैनुअल पे करना चाहेंगे तो फिर फ्रेश करते ही वापस मैनुअल पे हो जाएगी। इसके बाद आपको यहां पर टेस्ट पावर का बटन मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं टेस्ट, आप यहां पर इसको दबाएंगे, दबाते ही ये फ्लैश आपकी फायर हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर इससे आप फ्लैश को फायर कर सकते हैं।
और आपको यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, यहां से आप फ्लैश को ऑफ कर सकते हैं। और ये पावर का जो इंडिकेटर है इसका, कि आपके जो बैटरी है उसमें कितना पावर है, उसका ये इंडिकेटर है। यहां पर आपको वायरलेस का इंडिकेटर मिल जाता है। इसके बाद आपको यहां पर चैनल देखने को मिल जाता है जो आपकी ट्रिगर से मैच करने चाहिए। अगर आप अपनी फ्लैश को ट्रिगर से फायर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ये चैनल मैच करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी ट्रिगर से ही आपकी फ्लैश चलेगी। तो इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर एक लॉक आता है। आप फायर करने से पहले इस लॉक को यहां से हटा देना, क्योंकि अगर ये लॉक लगा रहेगा तो आपकी फ्लैश फायर नहीं होगी। ये मतलब इसके ट्रिगर की बैटरी और ट्रिगर के बीच में ये लॉक लगा रहता है। अगर ये लगा रहेगा तो आपका ट्रिगर काम नहीं करेगा, तो इसे आप हटा दीजिएगा। इस तरह का लॉक आता है और इसमें लगाते ही ये ऑफ हो जाता है, मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये हटाना आपके लिए जरूरी है, तभी आपका ट्रिगर काम करेगा। मैं इसे एक साइड पे रख देता हूं। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसका क्या यूज है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये मिनी स्टैंड है, इसको आप इस तरह से लगा के और आप इसे कहीं भी इस तरह से रख सकते हैं। और जैसे बैक लाइट के वगैरह शॉट वगैरह लेने हैं तो आप इससे ले सकते हैं। अब यहां पर ये ट्रिगर देख सकते हैं आप, ट्रिगर से मैं अपनी फ्लैश को फायर कर रहा हूं। देखिए, ये देख सकते हैं आप, मैं कहीं भी हाथ नहीं लगा रहा हूं, ये अपना फ्लैश ट्रिगर से ही फायर हो रहा है। तो ये ट्रिगर हो गया, ये फ्लैश हो गया, ये इसका मिनी स्टैंड हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो ट्रिगर वाला फ्लैश है काफी अच्छा गोडोक्स का और सबसे सस्ता फ्लैश है। तो कम बजट का सबसे अच्छा और बेस्ट फ्लैश है गोडोक्स का जो आप ले सकते हैं। और मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 2250 रुपए का आपको मिलेगा। मैंने ये ऑफलाइन परचेज किया था और ये आपको 2250 रुपए के समथिंग, 10-20 रुपए, 150 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी कम बजट में फ्लैश ट्रिगर वाला सबसे अच्छा और बेस्ट फ्लैश है TT520, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं इस चीज के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।